Hey everyone, welcome to yet another video of Khel Tantra. मैं हूँ पार्थो और दोस्तों आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में जो अपडेट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पैट्रिक फ्लॉटमैन यहाँ पे इंडियन सुपर लीग के क्लबों के साथ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का नाम भी सामने आ रहे हैं। तो क्या पैट्रिक फ्लॉटमैन सच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन करेंगे, क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप पैट्रिक फ्लॉटमैन की बात करें तो वो एक ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर है, 24 साल के वो एक सेंटर बैक प्लेयर है जो एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकते हैं। तो डिफेंस में पैट्रिक फ्लॉटमैन बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है और अगर आप उनके करंट स्टेटस की बात करें तो वो अभी एक फ्री एजेंट है। लास्ट सीजन ए लीग में ब्रिस्बेन रोड की तरफ से उन्होंने लोन डील पर फुटबॉल खेले थे। वो ओरिजिनली सिडनी एफसी के प्लेयर थे लेकिन सिडनी एफसी ने रिसेंटली पैट्रिक फ्लॉटमैन को रिलीज कर दिया है। दैट मींस पैट्रिक फ्लॉटमैन इज ए फ्री एजेंट और वो अभी आईएसएल के कई क्लबों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एज फार एज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इज कंसर्न, अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की डिफेंसिव बैक लाइन की बात करेंगे तो टीम में डिलान फॉक्स अभी भी मौजूद है। हाँ, ये बात सही है कि डिलान फॉक्स के साथ क्लब का कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट चल रहे हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो डिलान फॉक्स अभी भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर है और मैनेजमेंट डिलान फॉक्स को रिलीज नहीं कर रहा है, जिसका मतलब यही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट डिलान फॉक्स को लेकर सीरियस है, इस खिलाड़ी को क्लब में मैनेजमेंट रखना चाहते हैं। दैट मींस अगर डिलान फॉक्स अपने लिए कोई फॉरेन ऑफर नहीं ला पाते हैं तो डिलान फॉक्स को अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही खेलना होगा और इस बात का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% अभी हो गया है। दैट मींस दोस्तों अगर पैट्रिक फ्लॉटमैन की बात करें तो मुझे नहीं लगता यहां पे पैट्रिक फ्लॉटमैन अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप आईएसएल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहां पे एफसी गोवा, केरला ब्लास्टर्स एफसी और मुंबई सिटी एफसी एक फॉरेन डिफेंसिव ऑप्शन की तलाश में है। तो शायद दोस्तों पैट्रिक फ्लॉटमैन इन तीनों क्लबों से किसी एक क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन एज फार एज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कंसर्न द चांसेस ऑफ पैट्रिक फ्लॉटमैन जॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इज वेरी लिटिल। दोस्तों यहां पे अगर आप पैट्रिक फ्लॉटमैन की बात करें तो वो थाईलैंड में फुटबॉल खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंडर 20 टीम को भी पैट्रिक फ्लॉटमैन ने रिप्रेजेंट किया था, तो काबिलियत तो उनमें जरूर है लेकिन उनका फ्यूचर क्या होगा वो अपकमिंग सीजन में ही हमें पता चलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अलविदा।